वहीं टेलको स्थित सुमंत मुलगांवकर स्टेडियम में टाटा मोटर्स के प्लांट हेड एबी लाल ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं झांकियां आकर्षण का केंद्र रहे। संतोष कुमार मिश्रा आज का दिन हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। आज हम सब अपनी भारत माता की उन वीरों को याद करते हैं जिनके अंदर परिश्रम और बलिदान के कारण 200 से अधिक वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा यह देश 15 अगस्त 1947 को अंततः स्वतंत्र हुआ। आजादी से अब तक 69 वर्षों में जिस प्रकार हमारे देश ने लगातार प्रगति करते हुए आज विश्व में एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ागोड़ा में स्वतंत्रता दिवस उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम प्रखंड कार्यालय परिसर में हुआ। प्रखंड प्रमुख शास्त्री देवी हेम्ब्रम ने झंडोत्तोलन किया। छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत भी प्रस्तुत किया। भाजपा कार्यालय में डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने झंडोत्तोलन किया। वहीं विधायक कुणाल सारंगी ने इस मौके पर महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया। वहीं दूसरी ओर चांडिल प्रखंड में डैम रिसोर्ट में पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने झंडोत्तोलन किया एवं सभी को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी अर्चना मेहता ने भी झंडोत्तोलन किया। सावन माह की अंतिम सोमवारी में शिव भक्तों ने विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ी तादाद में शिव भक्तों ने जुलूस भी निकाला। न्यूज टाइम्स ने अपना 16वां वर्ष पूरा कर लिया है। सोमवार को न्यूज टाइम्स परिवार ने केक काटकर धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया। स्वतंत्रता दिवस के दिन ही सन 2000 को न्यूज टाइम्स की शुरुआत की गई थी। दर्शकों का विश्वास और प्यार की बदौलत सोमवार को 16वां स्थापना दिवस के मौके पर न्यूज टाइम्स के परिवार के सदस्यों ने केक काटकर एक दूसरे को बधाइयां दी। इस मौके पर न्यूज टाइम्स के निदेशक ब्रजमोहन गुप्ता भी मौजूद थे। उन्होंने सभी सदस्यों को मुबारकबाद दिया। पूरा 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 पूरा